हाय फ्रेंड्स, बोध गया के बाद अब हम लोग जा रहे हैं राजगीर घूमने के लिए। वहाँ भी सुना है बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फ्रेंड्स, हम लोग राजगीर पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग सब रोप वे करने के लिए। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी सारी भीड़ है। गाड़ी का स्टैंड है, मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 4 बज चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, बट हम लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि हम लोग को सफारी देखने के लिए जाना है और सुना है कि वहाँ पे लगभग 5 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। टिकट काउंटर एक्चुअली 8 बजे खुलता है, बट वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि 1-2 घंटे पहले जाके लाइन लगाना पड़ता है। तो आप लोग भी आएँ तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जितनी जल्दी हो सके सुबह निकल जाएँ। नाम दे रहा है बाहर, बट तब भी कुछ कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, मतलब लोग जा रहे हैं इसीलिए ताकि जल्दी से लाइन लगा सके वहाँ खड़े होके टिकट काउंटर पे। हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए नेचर सफारी और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं चाय पीने के लिए हम रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हुए हैं जहाँ पे रोपवे का टिकट मिलता है उसे लेने के लिए, क्योंकि कल हम लोग दोपहर में 3 बजे आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिस वजह से टिकट नहीं मिल पाया। अब देखते हैं कितना बजे मिलेगा यहाँ पे टिकट। देख सकते हैं आप, वो देखिए सामने वहाँ पे रोपवे है ऊपर और पहाड़ है उसी के बीच से जाता है। सो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जा रहे हैं रोपवे का जहाँ टिकट मिलता है, पीछे है देख सकते हैं आप। अभी तो फिलहाल खाली है क्योंकि सुबह सुबह हम लोग आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत भयंकर भीड़ हो जाती है। ये देखिए यही रास्ता है। अच्छा हुआ खाली समय में आ गया, कम से कम वीडियोस बना ले रहा हूँ, नहीं तो बाद में मौका ही नहीं मिलता। ये है टिकट घर, ये देखिए। खाने पीने की भी यहाँ कोई कमी नहीं है, ये देखिए। ये देखिए यही है रोपवे, इसे यहाँ बैठ के जाना होगा।
अब मैं आप लोगों को झील जाने का रास्ता दिखा देता हूँ, जिसे यहाँ पे घोड़ा कटोरा कहते हैं। ये देखिए रोप पे फैमिली रेस्टोरेंट, ये नाश्ते के लिए यहाँ पे प्रबंध है। ये घोड़ा कटोरा का रास्ता, यहाँ भी जाने के लिए टिकट लगता है और पैदल आप जा सकते हैं। अंदर बहुत बड़ी झील है। एक आदमी का 100 रुपया लगता है यहाँ पे टिकट। ये पूरी जगह गाड़ी पार्किंग के लिए है, बट अभी कोई आया नहीं है यहाँ पे। और इसके पीछे एक बहुत अच्छा पहाड़ और बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और देख सकते हैं टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बट यहाँ पे केवल एक दिन में 800 लोग ही आ सकते हैं, मतलब जो इतने सारे लोग लगे हैं सब वेस्ट होने वाला है सबका टाइम। देखिए यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं आप भीड़। ये देखिए ये सफारी पहाड़, इस तरफ गाड़ी पार्किंग है। ये बस में हम लोग जा रहे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है ये। इसी बस में हम लोग आए थे। ये मेन गेट है। अरे चलो भाई, ये टिकट काउंटर, ये है यहाँ का। बस जाने का ये रास्ता। सीढ़ी पत्थर की बनी है, सीढ़ी
चलो। अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ये ग्लास ब्रिज। और ये आप देख सकते हैं पीछे का नजारा। भाई आते हैं अलग से, चलिए ना सुबह। अच्छा, जाने के बाद फिर आने नहीं देगा ना? आप बनेगा वीडियो। सही है, लास्ट है। पेड़ रोपा हुआ है। हम लोग वापस जा रहे हैं अब। चलो रिया, एग्जिट गेट। ये कोई पार्क है।
ये यहाँ पे साइकिलिंग की जाती है तारों में। ऊपर स्काई बाइकिंग पे जा रहा हूँ मैं। राइफल शूटिंग उसको पकड़ के कैसे क्या करना है वो बता। हाँ, पहले तो खड़े होना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद होल्ड करना है और बट प्लेट को शोल्डर के पास लगाना, ठीक है। राइट से देखना, लेफ्ट आई आपका क्लोज रहेगा, ओके। अब जब भी फायरिंग कर रहे हो तो 2-3 सेकंड सांस को रोकना है, उसके बाद फायरिंग करना, ठीक है। अभी जब भी आप राइफल को मूवमेंट करते हो इधर उधर तो आउटसाइड लगेगा, आपको टारगेट पर नहीं लगेगा, ओके। तो जब भी आप फायरिंग कर रहे हो तो सांस को रोकना, उसके बाद फायरिंग करना, ठीक है। हैंड को मूवमेंट नहीं करना। किधर से करना है आपका, यहाँ है ये कट मार्क दिया हुआ है, ये कट मार्क जो का ऊपर का नॉक। अच्छा, ये दोनों को मैच करना है, उसके बाद बुल जाए को टारगेट करना। आपका बुल जाए यहाँ पर आपका टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। आपको उसको टारगेट करना है, ठीक है। लेफ्ट आई क्लोज करिए। अच्छा, ये वीडियो मारना रेडी है। कहाँ लगा कुछ पता चल। तो फ्रेंड्स, राइफल शूटिंग तो कर लिया मैंने, बहुत मजा आया। अब जा रहा हूँ आर्चरी करने के लिए, ये भी एक अच्छा स्पोर्ट्स है। ये आर्चरी शूटिंग, ये इसका पीछे यहाँ पे इस जगह पे ना इस तरफ करना है, फिर से मारना है। अच्छा, ताकत चाहिए। हाँ, इतना आसान नहीं, इतना सोचता है सब कि तीर धनुष चलाना ही तो है, वैसा नहीं है। लेकिन ये देखिए, फर्स्ट क्लास। जितना आसान लगता है उतना आसानी है नहीं। हम सब सोचते हैं कि बस एक तीर धनुष से तो चलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उंगली से रस्सी जितना ताकत से खींचिए उतना आपका रफ में जाएगा थी तीर। दो अंगुल मारिए। टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, कम से कम निशान गया तो पहले तो वो भी नहीं हो रहा था। सही निशान लगा ना, सही निबरी। ये देखिए निशाना कितना सटीक लगा है, मतलब प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, इसी से पता चलता है। अब वो अच्छा किए। क्या अच्छा किए? साइकिलिंग। साइकिलिंग? तुम मुझे देख रही थी? हाँ। कैसे चला रहा था मैं बताओ तो? नहीं। और कैसा लगा ये जगह घूम के तुमको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? हाँ। बोल दो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जा रहे हैं हम लोग वापस।